एक हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक रीति है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, कि शमशान में ले जाने से पहले अर्थी को कुछ देर पहले कुछ एक कहीं स्थान दिया जाता है कि वहां रोक दिया जाता है। महाराज ये कौन सी पुराण में लिखा है और किस लिए रोका जाता है उस अर्थी को, बोलिए। जल्दी बोलो, कौन सी पुराण में लिखा है कि मुर्दे को लेकर जाओ तो बीच में कहीं एक स्थान ऐसा होता है जहां अर्थी को जमीन पर रख दिया जाता है, कोई स्थान बनाया जाता है, वहां रख दिया जाता है, कुछ देर रोक दिया जाता है और अर्थी उठाने वाले फिर उसको वापिस लेकर जाते हैं और शमशान में प्रवेश कर। इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या कारण है? तो शिव पुराण कहती है महाराज, जब किसी जीवात्मा को लेकर जाया जाता है, ये नियम था बेलपत्री के पेड़ का। काहे का नियम था, ध्यान देना जरा, ये नियम था कि बेलपत्री का पेड़ जहां पर मिलता था अर्थी को, वहां थोड़ी देर विश्राम दिया जाता था कि इस बेलपत्र की छाओं में जो शरीर पड़ा है वो भगवान शंकर का हो गया, अब तो केवल मात्र ले जाकर आग लगाना है। कहते हैं गरुण पुराण कहती है, 10 दिन तक जीवात्मा मरने के बाद घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन, जम के बोलिए, 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है और अग्नि पुराण कहती है। महाराज पद्म पुराण में भी व्याख्यान मिलता है कि जीवात्मा 10 दिन तक जब घर की अटारी पर रहती है, मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो जीवात्मा उस स्थान तक साथ जाती है जिस स्थान पर विराम दिया जाता है। इसके बाद जीवात्मा शमशान में प्रवेश नहीं करती, वहीं से जीवात्मा उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती है। इसलिए अर्थी को रोकने के बाद एक पत्थर फेंका जाता है, ध्यान होगा आप लोगों को, जहां अर्थी को रोकते हैं वहां पर एक छोटा सा कंकर पत्थर फेंक देते हैं, दो चार उठाकर, अर्थात जीवात्मा वहां से वापिस लौट जाती है उसी जगह जहां से अर्थी उठी थी, उसके घर पर जहां से अर्थी को लेकर आए थे, जीवात्मा वहां पहुंच जाती है। 10 दिन तक जीवात्मा उस अटारी पर रहती है, 10 दिन तक उसको दिखाया जाता है तेरे मरने के बाद क्या हो रहा है, तेरे मरने के बाद भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाम जाप हो रहा कि नहीं हो रहा, कि लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं, तो जीवात्मा को दिखाया जाता। कई लोग आज तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि अर्थी को क्यों रोकते हैं बीच में, कारण क्या, बच्चे भी पूछते हैं यहां क्यों रोका था, काहे के लिए रोका था, बस पहला सा नियम चले आ रहा है इसलिए रोक दी गई है, बस पहले से नियम आया रोक दो, एक पिंड का दान दे दिया वहां से आगे बढ़। शास्त्र कहता है रोक कर पहले यह देखा जाता था कि बेलपत्री का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जब अर्थी को रोकते थे तो उस जीवात्मा के लिए किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो तर जाती थी, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया जाता तो भी मोक्ष मिल जाता, तो भी मोक्ष।